Good morning, students. Today, we shall read the second part of this uh, second lesson, the tsunami. And uh, here in this lesson, this is the story about a little girl whose name is Tilly and how she uh, saves her family and others from um, the tsunami that hits the coastal area. So, let's start it. The Smith family from southeast. Uh, इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थे वो दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड uh, से और वो क्रिसमस मनाने के लिए दक्षिणी थाईलैंड में एक बीच पे आ, वो आए हुए थे रिजॉर्ट में वो ठहरे हुए थे क्रिसमस मनाने के लिए वो वहाँ पे आए हुए थे टीली स्मिथ वॉज ए टेन ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल टीली स्मिथ एक दस साल की लड़की थी हर सिस्टर वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड उसकी जो बहन थी वो सात साल बड़ी थी उससे दियर पेरेंट्स वर पैनी एंड कोलिन स्मिथ उसके मम्मी पापा का नाम पैनी और कोलिन था इट वॉज ट्वेंटी सिक्स डिसम्बर टू थाउजेंड फोर ये छब्बीस दिसंबर दो हज़ार चार की बात है डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी हिट ऑलरेडी ऑन दियर वे खतरनाक घातक जो सुनामी लहरें थी वो अपने रस्ते पे थी दे हैड बीन ट्रीगर्ड बाई ए मैस्यू अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग जो सुनामी थी वो एक बड़ा मैस्यू मीन्स होता है ह्यूज। एक बड़ा भूकंप आया था उस भूकंप की वजह से वो सुनामी आई थी जो उत्तरी सुमात्रा है उस उससे दूर उत्तरी सुमात्रा में मतलब जो भूकंप आया था उसकी वजह से समुद्र में सुनामी आई थी द वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन पानी जो था वो उठ रहा था स्वेलिंग कर रहा था एंड कैप्ट कमिंग इन और अंदर की तरफ आ रहा था पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड पैनी स्मिथ जो कि टीली स्मिथ की माँ है वो याद करती इस बात को द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर जो तट था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग मुझे नहीं पता था ये हो क्या रहा था बट टीली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग लेकिन टीली स्मिथ को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ थी हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट टू वीक्स बिफोर सी फ्ल्यू आउट टू थाउज थाईलैंड विद हर फैमिली उसका दिमाग बार बार उस अपने भूगोल के पाठ की तरफ जा रहा था जो दो सप्ताह पहले जब वो इंग्लैंड में थी जब उसने वो पाठ सीखा था और उसका प्री, जब उसके जाने से उसके और उसके परिवार की थाईलैंड उड़ान भरने से पहले दो सप्ताह वो जब इंग्लैंड में थी तो उस दौरान उसने वो जोग्राफी का लेसन जो पढ़ा था वो उस पर उसका माइंड बार बार जा रहा था राइज टू फॉर्म टीली ने समुद्र को धीरे धीरे उठते हुए देखा और उसमें झाक बनते हुए देखा बबल्स एंड फॉर्म वर्ल्फ वर्ल्फ पुल्स तो उसमें वो बुलबुले बन रहे थे वल्फ बाउरे बन रही थी सी रिमेम्बर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट हवाइन आइलैंड इन 1946। उसे याद आया कि उसने ये जो घटना थी वो सुनामी की का जो वीडियो था वो क्लास में देखा था जहाँ पे जिसमें उन्नीस में जो हवाइन द्वीप पे जो सुनामी आई थी उसके बारे में इसमें दिखाया गया था हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास दी वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी काज बाई क्वेक्स वॉल्कैनोज एंड लैंड स्लाइड्स उसके जो भूगोल के अध्यापक थे उन्होंने वो वीडियो कक्षा में दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी जो है या तो भूकंप से आती है या फिर ज्वालामुखी से आती है या फिर लैंडस्लाइड जो है की वजह से ये सब आती है टीली स्टार्टिंग टू एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच तो टीली ने जब ये चीज़ देखी सेंस की तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अपने परिवार वालों को बीच से दूर जाने के लिए वो ए, कहने लगी सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर दी सी उसने कहा कि समुंद्र के नीचे भूकंप आया है सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल वो हिस्टोरिकल मीन्स होता है एक्साइटेड होना हो जाना टू मच एक्साइटेड अबाउट समथिंग कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी थी ऐसा व्यवहार करी थी जैसे वो पागल हो गई हो सेड हर मदर पैनी ये बात पैनी ने बाद में बताई आई डिडेंट नो वट ए सुनामी वॉज मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है बट सींग माई डॉटर सो फ्राइटेड आई थोट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन लेकिन जब मैंने मेरी डॉटर दो, को इस तरह से बै भी देखा तो मुझे लगा कोई ना कोई जो है वो गंभीर बात होने होने जा रही थी टीलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्राम द बीच टीली के माँ बाप उसको और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल होटल के स्विमिंग पूल ले गए ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेप्ट बीच विथ डैम बहुत सारे जो दूसरे पर्यटक थे वो भी उनके साथ ही चले गए उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया दिस वॉज एज इव द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम ऐसा लगता था देन वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम ऐसा लगता था जैसे पूरा समुंदर जो उनके पीछे आ गया था आई वॉज क्रीमिंग रन मैं चिल्ला रही थी भागो द फैमिली टू किफ्यूज इन दर्ड फ्लोर ऑफ दी होटल जो परिवार था उसने होटल की तीसरे फ्लोर पे शरण ली थी द बिल्डिंग विद स्टूड दर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेवस जो इमारत थी वो तीन सुनामी की लहरें आई उनमें भी वो uh, खड़ी रही विद स्टूड मीन्स होता है भाई uh, कोई चीज़ डटी रहे गिरे ना विदाउट कोलेप्सिंग एंड विदाउट कोलेप्सिंग मतलब डटा रहे खड़ा रहे इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अाइव तो यहाँ पे वो बताते हैं टीली का परिवार कि अगर वो बीच पे ही रह जा गए होते तो शायद वो जिंदा नहीं होते द स्मीथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज थैंक्स टू तो टीली एंड जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवान टीली जो स्मिथ था उस परिवार को बाद में दूसरे पर्यटक भी मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था तो वो धन्यवाद देते हैं टीली को और उसके उस भूगोल के अध्यापक को जिसमें उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी फोन वॉन टीली वेंट बैक टू तो आर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड अर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल तो फिर बाद में टीली अपने स्कूल में गई और उसने ये बात जो अपने क्लासमेट को बताई तो बेटा ये सेकंड पार्ट है इसमें हमने टिली की बहादुरी के बारे में पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं मैं बाकी असाइनमेंट इनके आपको भेज दूँगा थैंक यू